आजकल दुनिया तेजी से बदल रही है, बेहतर होती जा रही है। लोग स्मार्ट हो रहे हैं, कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और इसके लिए लोग सब कुछ करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं, खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं ताकि आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वो पहचान सकें और उसे ग्रैब कर सकें। और आज की दुनिया में सर्वाइव करने का यही बेस्ट तरीका भी है। सो गाइस, अगर आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी लाइफ के कुछ कोर स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और जब हम इनको एक साथ अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं तभी सक्सेस के लिए हमारी लाइफ में अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट हो पाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के 8 बेस्ट तरीकों के बारे में जानने को मिलेगा। वीडियो में मैं हर स्किल को एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी। इसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स और टिप्स भी होंगे जो उनको और उनके पीछे के पावर को जल्द से जल्द समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहली स्किल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी लाइफ टाइम तक चलता रहता है। जो लोग खुद के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं वो खुद को लगातार बेहतर करते जाते हैं, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले पर्सन के पास वो जो करना चाहता है उसके लिए सस्टेनेबल मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में इस बात के लिए क्लियर होते हैं कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, बैड और टफ सिचुएशंस में खुद को कैसे मजबूत बनाए रखना है, खुद को बिखरने से कैसे बचाना है। और ऐसे लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए वर्क करते रहते हैं। इसलिए हमें भी कुछ टाइम लेकर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमने प्लानिंग से जो टारगेट सेट किए थे क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, क्या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब क्या है कि हम सब अपनी लाइफ में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की लग्जरी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर ये सब हमारे पास हो तो भी हमारी लाइफ में ऐसा एक गोल या फिर यूँ कहें कि एक सपना ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए हम अंदर से बर्निंग डिज़ायर फील करते हों, जिसे पाना हमारे लिए हर हाल में, हर सूरत में ज़रूरी होना चाहिए, जिसको पाने के लिए हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन, कोई आइडिया या फिर एनर्जी की ज़रूरत ना पड़ती हो। एक सक्सेस की भूख बनी रहनी चाहिए। सबको अपनी लाइफ में ऐसे पर्पस की तलाश ज़रूर होनी चाहिए, और अगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो अब करना शुरू कर दीजिए, तभी सही मायनों में आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। दूसरी स्किल, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक सेल्फ कंट्रोल वाला पर्सन अपने लिए क्लियर गोल्स और प्लान सेट करके रखता है, उनको फॉलो करने में अपना पूरा पोटेंशियल लगा देता है। उसे ये पता होता है कि सक्सेसफुल हैबिट्स और रूटीन कैसे बना सकते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। वो लोग इसे क्रिएट भी करते हैं और इसी हैबिट और रूटीन पर ही स्टिक भी रहते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात तो आपको पता ही है कि कोई भी हैबिट छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इस हैबिट को छोड़ने में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट यही है कि इस बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बर्गर ऑर्डर करने जा रहे हैं तो उसकी जगह आप फ्रूट जूस ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको अपने सिगरेट छोड़ने की हैबिट को छोड़ना है तो आप उसकी जगह चॉकलेट ले सकते हैं। इसके और भी कई ऑप्शंस हैं। द मेन फैक्ट इज कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी ग्रेट पर्सनालिटी हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है, जैसे कि महात्मा गांधी। उनकी तो पूरी लाइफ ही सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल है। सो एक सेल्फ कंट्रोल वाला पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन और अपनी थिंकिंग पर भी पूरा कंट्रोल रख सकता है। नेक्स्ट स्किल, रिन्यूएबल वाइटैलिटी। अगर आप हर काम में आगे रहना चाहते हैं, सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, तो फिजिकली फिट और हेल्दी रहना शुरू कर दीजिए। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, ज़रूरी न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड को प्रायोरिटी दीजिए। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास डेली डिमांड को पूरा करने की प्रॉपर एनर्जी होती है, और अपने आप को हेल्दी रखने की हैबिट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
एक हेल्दी पर्सन अपना काम बहुत आसानी से और प्रोडक्टिव तरीके से करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, तो वो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर वर्किंग स्किल यूज़ करता है, ज़्यादा काम करता है, खुश रहता है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय भी करता है। सो कुछ बातों को ध्यान में रखिए, जैसे कि आपकी नींद कैसी रहती है, क्या आप अच्छे तरीके से सो पाते हैं, क्योंकि नींद का हमारे लाइफ के हर एरिया पर इम्पैक्ट पड़ता है। नींद की कमी से हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और इसके अलावा भी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए खुद का ख्याल रखिए, खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखिए। अगली स्किल, इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी का मतलब है कि आप इमोशनली इतने मैच्योर हो जाएं कि अपनी फीलिंग्स आसानी से चेंज कर सकें। प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना सीख जाएं और किसी भी नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव रीफ्रेम करने में कैपेबल हो जाएं। जब हम खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों को मॉरली और इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें प्यार और सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी से आप आसानी से लोगों का दिल जीत लेंगे। ऐसे लोग आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि तब आप अपने और दूसरों के इमोशंस को आसानी से समझ पाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमें भी इमोशनल मास्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल लोग इमोशनल मास्टरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगली स्किल, कॉन्शियस कम्युनिकेशन। अगर आप एक कॉन्शियस कम्युनिकेशन वाले पर्सन बन जाएं, तो आप दूसरों के थॉट्स और आइडियाज़ को आसानी से समझना सीख जाएंगे और तब आप अपने थॉट्स को भी आसानी से एक्सप्रेस और डिलीवर करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में भी कैपेबल हो जाएंगे। और जब कम्युनिकेशन आसान हो जाती है तो हम आसानी से दूसरों के साथ रिलेशन भी बना लेते हैं। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है और इसे हर कोई सीख सकता है। आप भी इसे आसानी से सीख सकते हैं, बस ज़रूरत पड़ती है थोड़े से कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की। नेक्स्ट स्किल, स्मार्ट फोकस। एक स्मार्ट फोकस वाला पर्सन चीज़ों को इफेक्टिवली और प्लान मैनर में करने के लायक बनाता है। ऐसे लोग स्मार्ट तरीके से काम करके अपने टाइम और एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने ऑफिस में स्मार्ट वर्क करने के लिए पहला काम क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने दिन की एक स्मार्ट शुरुआत करनी चाहिए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रोज़ 5 से 10 मिनट निकालें और अपने दिन की प्रॉपर प्लानिंग करें। इससे आप अपने ऑफिस में अपना बेस्ट और 100% दे सकेंगे। स्मार्ट फोकस से स्मार्ट वर्क करने की कैपेबिलिटी बूस्ट होती है और स्मार्ट वर्क करके हम अपने एनर्जी और टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्मार्ट वर्क एक तरीके से हमारे लिए टाइम सेवर की तरह काम करता है। ये हमारा टाइम बचाता है और हमें कम एनर्जी और कम टाइम में ज़्यादा काम करना सिखाता है। इसीलिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्रायोरिटी दीजिए। नेक्स्ट स्किल, लर्निंग एंड एडेप्टेशन। जब आप लर्निंग और एडेप्टेशन को अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो आप कुछ ऐसे कमाल के चेंजेस फील करेंगे कि आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि तब आप किसी भी नॉलेज में और किसी भी स्किल में आसानी से मास्टर होते जाते हैं। आप आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करना भी सीख जाते हैं। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से आपके अंदर किसी भी चेंज को आसानी से हैंडल करने की पावर डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हर सिचुएशन में आगे बढ़ते रहते हैं। गाइस, लियोनार्डो द विंसी ने एक बार कहा था कि सीखते रहने से हमारा दिमाग कभी भी नहीं थकता, और इस वीडियो के थ्रू मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीखने की हैबिट को अपने अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ऐसा करने से आपका माइंड हमेशा एक्टिव और फ्रेश रहेगा और ये हैबिट आपको एक ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव पर्सन भी बनाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट स्किल, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव बनानी होगी। कंस्ट्रक्टिव यानी क्रिएटिव, इनोवेटिव थिंकिंग। ऐसी थिंकिंग आपका माइंड क्लियर और ऑर्गेनाइज रखती है। तभी आप ये भी जान पाते हैं कि अपनी मेमोरी पावर को कैसे अच्छे से यूज़ करें और अपने ब्रेन पावर को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं
और ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। और एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए कि हम नॉनस्टॉप चलने वाली न्यूज़, सोशल मीडिया, टिकटॉक और मोबाइल से अपने आप को दूर रखें। इसके बजाय अच्छी और नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करें। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें सुनिए जो अपनी लाइफ में, अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। और साथ ही डेली टेक्नोलॉजी से कुछ समय के लिए दूर रहिए। थोड़ा टाइम निकालिए, एक छोटी सी वॉक लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ समय निकालिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के बारे में सोचिए और नए तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो सके। सो गाइस, ये वो 8 तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म क्यों करना है, इस बारे में ज़रूर सोचिए। गाइज, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ मेहनत से ये काम हो ही नहीं सकता। आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करना होगा, नहीं तो आप भी औरों की तरह एक जैसी ही लाइफ जीते रहेंगे। हालांकि ऐसी लाइफ किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग चीज़ों को बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठाते। बस आपको ऐसा नहीं बनना है, इसलिए खुद के लिए सोचने का टाइम अब आ गया है। सो गाइस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये 8 तरीके आप ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, इसलिए मेहनत करते रहिए, आपकी लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।